बुलेटिन की शुरुआत सरकार के पचमढ़ी चिंतन की खबर से। अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश की सरकार पचमढ़ी से चलेगी। जी हां, कैबिनेट की आउटडोर मीटिंग के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मंत्री और अधिकारी भोपाल से पचमढ़ी के लिए रवाना हुए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब कैबिनेट की बैठक राजधानी से बाहर हो रही हो। पहले भी कई बार सीएम शिवराज सिंह की पहल पर ऐसे आयोजन होते रहे हैं। आखिर कितनी खास है ये बैठक, एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट की आउटडोर बैठक 26-27 मार्च को पचमढ़ी में होगी, जिसमें प्रदेश के विकास के साथ ही राज्य को आत्मनिर्भर बनाने पर मंथन किया जाएगा। मीटिंग में सीएम शिवराज के साथ उनकी कैबिनेट के 30 सहयोगी भी शामिल होंगे। पचमढ़ी मंथन पर रवाना होने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने सहयोगियों के साथ एक अनौपचारिक बैठक भी की। बैठक में कैबिनेट के 16 बिंदुओं को तय किया गया, जिस पर 2 दिनों में मंथन किया जाएगा। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाली जिन योजनाओं पर मंथन किया जाना है, उनमें महिला सशक्तिकरण, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, गोवर्धन योजना, जल जीवन मिशन, सीएम राइज स्कूल, अनुसूचित जाति जनजाति, पीएम आवास योजना, राशन वितरण योजना और कर्मचारियों की समस्याओं जैसे विषयों पर मंथन को शामिल किया गया है। सीएम शिवराज मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। मंथन से निकले सुझावों को अमली जामा पहनाया जा सके, लिहाजा कई अधिकारी भी इस टूर में शामिल रहेंगे। आम आदमी के लिए खास रणनीति बनना जरूरी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सदैव चिंतन और मंथन जनता के हितों के लिए, विकास के लिए ये करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन पहले ही सभी मंत्रियों की अलग अलग विषयों को लेकर समितियां बना दी है। सभी मंत्रियों की बैठकें उस समितियों की हो चुकी है। अब उस पर विस्तार से विस्तृत चर्चा और मंथन पचमढ़ी में होगा कल से, और जो अमृत आएगा वो जनता को समर्पित होगा विकास का। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस आयोजन को फिजूल खर्ची बताते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। शिवराज सरकार इवेंट आयोजन में माहिर है, अब ये बैठक करने जा रहे हैं, जबकि करोड़ों रुपए के वल्लभ भवन, करोड़ों रुपए के भोपाल में शासकीय भवन मौजूद हैं, लेकिन कभी सीओ के होटल में करते हैं, कभी पचमढ़ी करते हैं, कभी हनुमंतिया करते हैं, नित नए स्पॉट ढूंढते हैं। इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि इनको सरकारी खजाने को लुटाना है, सरकारी खजाने का अपव्यय करना है। अब ये सब बैठक तो सरकारी भवन में हो सकती है, सरकारी स्थल पर हो सकती है, लेकिन चूंकि टूरिज्म पर्यटन करना है, इनको मनोरंजन करना है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना, इसलिए इस तरह के आयोजन करते हैं। ये बताएं, पहले इतनी बैठकें हुई, इतनी अलग अलग पिकनिक स्पॉट, तो उसका आज तक प्रदेश को कोई फायदा मिला या लाभ मिला जो इस बैठक का लाभ मिलेगा? यह सब मनोरंजन का काम है, जनता को गुमराह करने के लिए इवेंट कर रहे हैं ताकि इसके नाम पे जनता को गुमराह किया जा सके। खैर, सरकार को विपक्ष की आपत्ति और आरोपों की परवाह नहीं है, क्योंकि सरकार का तर्क है कि खुले माहौल में खुले विचारों के साथ प्रदेश की जनता की भलाई के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाने के मकसद से ही ये आउटडोर बैठक है। अब देखना है कि पचमढ़ी के मंथन से जनता के लिए कितना अमृत निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज़।